नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत हो। मैं रतन सेन और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। आज हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे शराबबंदी कानून को लेकर और शराबबंदी कानून के बाद बिहार में किस तरह का प्रभाव है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ शराबबंदी कानून से जुड़े हुए और भी क्या क्या मसले निकल कर सामने आ रहे हैं उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिमरनजीत से पहला ही जो सवाल चलेगा वो ये कि शराबबंदी कानून को आप बिहार में कैसे देखते हैं। शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह से फेल है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता चाहे कुछ भी कह लें, यह कठोर सत्य है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी कानून की समीक्षा बिहार में बेहद ज़रूरी है। शराब से जितना परिवार नहीं उजड़ता होगा वो शराबबंदी कानून से उजड़ता जा रहा है। एक पीढ़ी लगातार ख़त्म होती जा रही है। और जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने, जो नीतीश मॉडल है बिहार का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया, संवारा और बनाया है नए सिरे से। लेकिन नीतीश कुमार की एक ज़िद कह लें, जो शराबबंदी कानून है वो बिहार को उजाड़ रही है, परिवारों को उजाड़ रही है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं यही चाह रहा था कि अगर उजाड़ रहा है परिवारों को तो वो भी एक्सप्लेन हो कि कैसे किस क्या देखिए देखिए देश का इतिहास रहा है। गुजरात में भी शराबबंदी का कानून लागू है, एकदम बेशक। और जहाँ जहाँ शराबबंदी कानून लागू हुआ है वहाँ जहरीली शराब से ऐसी मौतें हुई है कि वापस लेना पड़ा है शराबबंदी कानून को। अभी रत्न सेन जी, आपको याद होगा कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। देश का बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है आज तक की एंकर है अंजना ओम कश्यप, और वो एक कार्यक्रम को लेकर के, राज तिलक उनका कार्यक्रम चलता है, कार्यक्रम का नाम शायद मैं गलत भी बोल दूँ तो आज तक चैनल का एक कार्यक्रम था, और अंजना ओम कश्यप गुजरात पहुंची हुई थी। और जब वो लोगों से बात कर रही थी तो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ शराबबंदी कानून लागू है और लोग शराब पीकर आज तक चैनल के कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। तो शराबबंदी कानून, खाने पीने की चीज़ों पर प्रतिबंध कभी जो है सफल नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर भारत में देखें तो बिहार कोई पहला राज्य नहीं है, कई स्टेट ऐसे रहे हैं जहाँ शराबबंदी कानून को लाया गया है लेकिन शराबबंदी कानून बुरी तरीके से वहाँ पर ध्वस्त हुआ है, फेल हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि परिवार कैसे चौपट हो रहे हैं। शराब पीने से ये कोई शराब के पक्ष में नहीं है, शराब पीने के पक्ष में कोई नहीं हो सकता। शराब पीने वाला इंसान भी जानता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया है, आप देखें आज का जो दौर है, हर किसी को महंगा मोबाइल चाहिए और हर किसी को महंगे ड्रेसेस चाहिए, और इसको ले करके लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। जो युवा पीढ़ी, छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने बैग में लेकर के शराब को ढो रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी स्मगलर बन चुकी है। बिहार में रोजगार भी नहीं है, लोगों के पास काम भी नहीं है। जब काम नहीं है तो लोग गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग, मैं समझ सकता हूँ कि लाखों लोग अब तक शराबबंदी कानून की जद में आकर जेल गए हैं, और जब वो जेल चले जाते हैं तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना लेन देन, आप यकीन मानिए कि हजारों परिवार बिहार के हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं इस शराबबंदी कानून की वजह से। सरकार तो कह दिया कि हमने उसके कानून को जो है बहुत वो, देखिए सरकार तो कुछ भी कह ले, सरकार में बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि शराबबंदी कानून फेल है। कई लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि शराब तो है, कटाक्ष करते हैं कि बिहार में शराब ईश्वर की तरह है जो मौजूद हर जगह है लेकिन दिखाई सिर्फ उन्हें देता है जो उन्हें सच्चे भक्त हैं। शराब पीने वाले जो लोग हैं, जिनको शराब की ज़रूरत है, अगर उनको जब भी ज़रूरत होती है शराब उनके सामने हाजिर होता है, होम डिलीवरी होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। हज़ारों बार ऑन द स्क्रीन लोग कह चुके हैं, ऑफ द स्क्रीन तो लोग कहते ही हैं। सरकार के मंत्री भी जानते हैं कि शराब मिलता है, बिहार सरकार की पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि शराब जो है मिलता है, और प्रशासन की मिलीभगत है। हर जगह शराब माफिया एक्टिव हैं, चाहे कितना भी शराब का खेप पकड़ा जाए, कितना भी गिरफ्तारी हो जाए, कितनी ट्रकें न जब्त हों, शराब हर जगह मिल रहा है बिहार में। यही सबसे बड़ी सच्चाई है और सरकार भी इस बात को जानती है। जीतन राम मांझी को ही हम उनके बयान को कोट कर लें,
वो कहते हैं कि भाई हमारा तो जो मांझी परिवार है, जो मांझी समाज है, वो शराब तो कम से कम 100 ml तो वो पी जीतन लेता। जीतन राम मांझी जो हैं सरकार में सहयोगी हैं। हाँ, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर नीतीश कुमार की सरकार में जो है साझीदार है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तो उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ये नीतीश कुमार के साथ थे। 2016 में जब ये कानून लागू हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन सभी दलों ने बिहार विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून का समर्थन किया था और शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। लेकिन जैसे ही 2017 में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव, दोनों की राहें अलग अलग होती है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव के सुर बदल जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सुर बदल जाते हैं और वो शराबबंदी पर लगातार सरकार को घेरते चले जाते हैं। और घेरते घेरते यह बात कही जाती है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, ये पूरी तरीके से फेल है। अब ठीक है, आप समझिए कि अब जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही कहने लगती है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा नीतीश कुमार का समर्थक भी माने जाते हैं, लेकिन वो बार बार शराबबंदी कानून को खत्म करने की ही मांग करते हैं लगातार जो सरकार में बैठे लोग हैं। फिर मैं एक और आपको तथ्य बता दूं कि कैसे पीढ़ियां चौपट हो रही हैं इसकी वजह से। जिस दिन से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसके बाद लगातार आप ऐसे युवाओं को देख सकते हैं, किशोरों को देख सकते हैं, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो स्मैक पीते हैं। गांजा पीने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। तो हम ये माने कि शराबबंदी का साइड इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा, शराबबंदी कानून का साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब 2005 में ये बिहार की सत्ता में आए थे तो इन्होंने गांव-गांव गली-गली शराब की दुकानें खुलवा दी थी। हाँ। और उस वक्त विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां हुआ करती थी और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की खूब आलोचना किया करती थी। वही नीतीश कुमार 10-11 सालों तक अनवरत शराब बिकवाते हैं अपनी सरकार में, राजस्व प्राप्ति का पंचायतों में शराब दुकान, बिल्कुल बिल्कुल गाँवों में। हाँ, हम तो भाई देख के दंग थे कि भाई अब इस पंचायत में यहाँ भी सरकारी शराब की दुकान होगी बाकायदा। उस समय ये मसला हमको लगता तभी था जब जहरीली शराब से लोगों की मौत के आंकड़े उस समय हम लोगों ने भी देखा है। हमारे शहर सासाराम में मोहल्लों में शराब की दुकानें खुली थी और यही नीतीश कुमार हैं इसको राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत बताया करते थे। और उसके बाद यही नीतीश कुमार हैं, पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने शराबबंदी कानून को जो है इतनी सख्ती से लागू किया। हालांकि हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कह लें, शराबबंदी कानून लागू होने से नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है। जो लोग मानते हैं कि चिराग पासवान के फैक्टर की वजह से नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा, शराबबंदी कानून भी एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार को 24 घंटे बिजली दी, सरप्लस बिजली दी, सड़क दिया, पुल दिया, अच्छी कानून व्यवस्था दी, स्कूलों की बिल्डिंग्स, मतलब बहुत काम हुआ, अस्पतालों में जो है आज व्यवस्था है। लेकिन शराबबंदी कानून जब से आया नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं है कि इस बात को नहीं समझते होंगे। हाँ। नीतीश कुमार भी तपे तपाए नेता हैं, नीतीश कुमार कद्दावर नेता हैं बिहार की राजनीति के, लोगों की नब्ज समझते हैं। इसके बावजूद वो पता नहीं क्यों इस जिद पे अड़े हुए हैं। हम बताते हैं क्या कारण है। शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ एक जो दबी जुबान से ही या फिर कह लें कि राजनीतिक विश्लेषक जो है वो इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो शराबबंदी के बाद महिलाएं साइलेंट वोटर बनी हैं। अगर महिलाएं साइलेंट वोटर बनी हैं तो फिर ये 43 सीटें नीतीश कुमार, देखिए वो अलग मसला है जी, लेकिन उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार आज भी हम अपने घर में बात करते हैं, मम्मी से ही बात करते हैं या फिर अपनी बहनों से बात करते हैं जो स्कूल जाती है बहनें या फिर जो मम्मी हमारी है, तो वो कहती है कि भाई अगला जो दारू पी के आता था 100 रुपया अगर दिन भर में कमा रहा है तो वो 40-50 रुपया तक कब दारू ही पी जाता था, बाकी बचे पैसे घर में आते थे उसका राशन आता था। लेकिन अब जो स्थिति है कम से कम उसमें तो कुछ सुधार हुआ है। नहीं बिल्कुल, देखिए एक बात तो हम स्वीकार करेंगे, शराबबंदी कानून का एक फायदा तो ये हुआ है कि जो नई पीढ़ी है वो कम से कम शराब से दूर रहेगी। लेकिन जो पिछले लोग, जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं जो आदतन शराब के आदि बन चुके हैं, उनका क्या होगा ये समझने की जरूरत है। और एक पीढ़ी ऐसी भी है जो नशे की लत को, जो
हम अपना रोजगार समझ रही है एक दूसरा पीढ़ी। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी आप स्टेशन के आसपास चले जाएं, हाँ। स्टेशन के किनारे स्मैक पीते हुए, पीते हुए हाँ, हाँ। कपड़े में लेकर के सोल्यूशन, ये बहुत ही खतरनाक तरीके का नशा है और ये शराब से ज्यादा खतरनाक है। और शराब नहीं मिलने के बाद लोग ऐसा कर रहे हैं, शराब नहीं मिल रहा है तभी जहरीली शराब पी जा रही है। और आपको बता दें कि इससे राजस्व का जो घाटा है, बिहार सरकार विकास प्रभावित हुआ इससे। कभी नीतीश कुमार के करीबी थे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आरसीपी सिंह की बात कोट करता हूं आपको, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब माफिया की ओर से 25-30 हज़ार करोड़ रुपए की शराब बेची जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि शराबबंदी कानून के लागू होने से बिहार को प्रतिदिन 60-70 करोड़ का घाटा भी हो रहा है। इसके अलावा नालंदा और बिहार के कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। आरसीपी सिंह ने शराबबंदी कानून का उपहास उड़ाते हुए कहा था कि पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही शराबबंदी कानून की घोषणा की जाती है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि शराब की होम डिलीवरी में हजारों लोग लगे हैं, सैकड़ों वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन होम डिलीवरी करने वाले मात्र 952 लोग पकड़े गए हैं और मात्र 1469 वाहन जब्त हुए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि आंकड़े खुद सरकार के हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि पता चलता है कि पुलिस शराब माफियाओं पर नरम और आम लोगों के प्रति सख्त होकर दोनों तरफ से वसूली में लगी रहती है। अगर रोजाना 10,000 लीटर और महीने में 3 लाख लीटर शराब जब्त होती है, जो सरकार ये आंकड़े देती है, तो ये शराब आ कहाँ से रहे हैं? और आप समझिए, 3 लाख लीटर शराब महीने में जब्त होना ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस बात से आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में लगातार शराब की बिक्री हो रही है। और नीतीश कुमार चाहे सदन में उठ के कुछ भी कह लें, सदन का मैं एक बयान कोट करने वाला था जी, उसमें उन्होंने कहा कि चाणक्य लॉ कॉलेज जो है वो शराबबंदी को लेकर एक अभी एक सर्वे प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि लाखों लोग जो है, पिछली बार का जो आंकड़ा था उसके बाद नया आंकड़ा जो उसमें उन्होंने बताया, उसमें कहा कि लाखों लोग जो है इस बार शराबबंदी को छोड़ा है उन्होंने, और शहरों में और ग्रामीण इलाकों में दोनों का अलग अलग परसेंटेज बताया। और उन्होंने कहा कि 93% लोग जो है गाँव के वो शराब छोड़े हैं और 92% लोग जो है वो शहर के वो शराब छोड़े। आप लाख नीतीश कुमार आंकड़े दे ले, नीतीश कुमार के आंकड़े अपनी जगह पर उन्होंने सदन में कहा है। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो एक जिम्मेवार पद पर हैं, वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाल रहे हैं, तो लिहाजा वो जो भी कहेंगे आंकड़ों के साथ कहेंगे और आंकड़ों को ही वो सच मानेंगे और सदन के सामने रखेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत अपनी जगह है सर, ग्राउंड रियलिटी को चेक करना पड़ेगा। आप ज़मीनी हकीकत जाके देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है, बिहार का कोई ऐसा गांव गली मोहल्ला नहीं है जहां शराब उपलब्ध नहीं है। बस आपके पास, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और आपकी चाहत होनी चाहिए। जहां चाह वहां रहा, इस तर्ज पर बिहार के हर हिस्से में सर शराब उपलब्ध है और शराबबंदी कानून फेल है। यह बात भले ही टीवी चैनलों पर आकर, मीडिया के डिबेट्स में आकर के जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कुछ भी कह लें, सरकार में शामिल आरजेडी के नेता कुछ भी कह लें, सरकार के सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट के नेता कुछ भी कह लें, पर यह सच है कि शराबबंदी बिहार में फेल है और शराबबंदी कानून की वजह से कई परिवार परेशानियों में है और कई परिवार जो है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में, मुकदमों के चक्कर में आज पढ़ करके कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं और परिवारों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब अगर हम इसी सदन की बात करें, जो वित्तीय सदन चल रहा है इसमें बजट सत्र, उसमें उन्होंने समीक्षा की बात कही और उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एक बैठक करेंगे जिसमें हम शराबबंदी को लेकर बात कर सकें। नहीं, इसमें कोई बात नहीं होगी। नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक शराबबंदी कानून तो कम से कम बिहार में खत्म होने नहीं जा रहा है, लागू रहेगा। बिल्कुल लागू रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिंदा रहेंगे तब तक या मुख्यमंत्री रहेंगे? जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार पीछे हटने वाले नहीं है। और जो एक संभावना है कि नीतीश कुमार अपनी जगह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं बाद के दिनों में, अगर नीतीश कुमार के समर्थन से, जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो तेजस्वी यादव के सामने भी ये शर्त जरूर होगी कि आप शराबबंदी कानून को ख़त्म नहीं करेंगे और तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून ख़त्म कर भी नहीं पाएंगे। ये नीतीश कुमार की तरफ से निश्चित तौर पर एक जो शर्तें होती हैं सरकार बनाने के लिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है जो गठबंधन की सरकारों में, तो जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव के सामने यह जो प्रस्ताव है या शर्त कह लें, यह ज़रूर रहेगा।
और इसके जो साइड इफेक्ट किस तरह के हैं शराबबंदी को लेकर, खास करके अगर हम प्रदेश की बात करें और नई पीढ़ियों की का हम जिक्र करें तो उसको लेकर क्या है? नहीं, नई पीढ़ी तो समझ ही नहीं पा रही। नई पीढ़ी की जहाँ तक बात है तो आप एक बात समझिए, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, कोई दिल्ली में रह के पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में रह के पढ़ रहा है, कोई चेन्नई में रह के पढ़ रहा है, कोई कलकत्ता है, कोई मुंबई है, कोई कहीं देश के हिस्सों में है, वहाँ दोस्तों के साथ वहाँ पर शराब पीने की लत लग गई, अब अपने यहाँ बिहार आया तो यहाँ मिला नहीं मिला तो अवैध तरीके से पिया तो, और कभी पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो उसका करियर ही चौपट हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। शराबबंदी कानून के नाम पर जितना लोग परेशान हो रहे हैं बिहार में, उसका फ़ायदा उतना नहीं मिल रहा है। एक अगर 10% फायदा है तो यकीन मानिए 90% नुकसान है। यह बात सत्ताधारी गठबंधन में बैठे हुए लोग भी समझते हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन और नीतीश कुमार के सामने उनके फैसले का विरोध करे कौन, बस यही एक सवाल है। तो कानून में भी हमको लगता है कि इस बार सुधार किया गया है, जो कठोर कानून बनाए गए थे शराब पीने के बाद, थोड़ी ढिलाई दी गई है, लेकिन उससे कोई बहुत, एक बार पीने के बाद पैसे लेकर छोड़ने की बात है, दूसरी बार में कोई बहुत बहुत फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो उससे कोई राहत नहीं मिलेगा? थोड़ी बहुत राहत मिली है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कानून तो लागू है ना। हाँ, तो बिहार सरकार भी तो ये कह रही है कि उससे कई फायदे, जैसे वो गिनाती है कि परिवारों में सुख शांति हुआ, रोड एक्सीडेंट के मामले में कमी आई है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और शराबबंदी कानून की पकड़ में आकर के लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, जिस तरीके से लोग कानूनी पछड़े में फंस रहे हैं, महिलाएँ भी अब पीड़ित हो रही हैं इससे, क्या घर की महिलाओं को नहीं झेलना पड़ता जिसका बेटा जेल चला गया हो, जिसका पति जेल चला गया हो, ऐसे में महिलाएँ भी अब सरकार का विरोध कर रही हैं और सरकार इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ। दो अलग अलग तरीके के तर्क हैं। सरकार जो है जब इस कानून को लागू की, उसने रिहैब सेंटर शुरू किया था कि जो शराब के आदि लोग हैं वो, जैसे मान लीजिए हमको नशा है, हम नशा की लत है, अचानक से जब बंद हो जाएगा उसको दूसरी बीमारी। फिर मैं बात करता हूँ कि आप ये जिस सेंटर की बात हो रही है उस सेंटर में कितने लोग पहुँचे, सरकार आपको आंकड़े गिना देगी, लेकिन आंकड़ों से इतर जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो सच्चाई कुछ और पता चलती है। एक दूसरी बात ये भी है शराबबंदी कानून को लेकर, सरकार ने जो है कई अलग अलग एस्पेक्ट रखे हैं इसको लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर, कि हम जो है यहाँ पे हमने इनको लेकर जो है काम किया है ताकि शराबबंदी में जो है बिहार का डेवलपमेंट हो सके, कम से कम कुछ तो सुधार हो। सुधार कैसे होगा सर, शराब की वजह से राजस्व घाटा बिहार को हो रहा है, इसकी वजह से बिहार का विकास बाधित हुआ है। सरकार बार बार आंकड़े दिखाने लगती, कोई भी सरकार हो, हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करने लगती है, आंकड़ों से खेलने लगती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत से वास्ता पड़ता है, आप उस परिवार को जा करके देखें जहाँ पहले से ही गरीबी ऑलरेडी मौजूद है, घर का कोई सदस्य काम नहीं कर पा रहा था, बेरोजगारी की वजह से कोई शराब के धंधे में उतर गया और शराब के धंधे में उतरा, पुलिस ने पकड़ लिया, कानूनी पचड़े में फंस गया, उसके बाद कर्जा लेकर के कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर में लोग पड़ते हैं, फिर उनका बेल हो ही जाता है, अंत में हाई कोर्ट जाते हैं, बेल हो जाता है, लेकिन परिवार तो कर्ज की चपेट में आ जाता है। तब मैं एक और बात कहूँगा सरकार की तरफ से, कि सरकार ने जो ये कहा कि जैसे मान ले जाए कोई परिवार जो है शराब बनाता है वो पकड़ा जाता है, अब सरकार का ये कहना है कि आप जो है वो काम छोड़ दीजिए शराब का, हम 1,00,000 रुपये आपको देंगे, आप उससे नया। कितने लोगों को सरकार ने 1,00,000 रुपये दिया? मैं आंकड़ा बता दूंगा आपको, फिर आंकड़े ही आएंगे आपके पास, और सिर्फ आंकड़ों से बात नहीं बनती। फिर मैं कहूँगा कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, ये और ये आप भी समझते होंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझते होंगे। तो शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें हुई उसमें दो अलग अलग तथ्य निकल कर सामने, सरकार अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है मगर उसके जमीनी हकीकत कुछ इतर ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नीतीश सरकार को, जैसा कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री को जो है उस पर विचार करने की ज़रूरत है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम शराबबंदी कानून को लेकर कुछ दूसरे हिस्से में देख सकते हैं या फिर उससे इतर हम कुछ कर सकते हैं। तो आगे इसमें कुछ और बिहार को लेकर जो है बातें बन सकती है। तो कुर्सीनामा के इस सेगमेंट में इतना है, एक नए एपिसोड के साथ हम एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।